नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से प्रिया के किचन में। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर के पराठों की रेसिपी। सर्दियों का मौसम है दोस्तों, हरे मटर के पराठा बनाना बनता है। मटर आजकल आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं। आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी इनको बना के रख सकते हो। यहाँ पर हम पराठे बनाने के लिए सबसे पहले लगा लेंगे आटा। यहाँ लिया है मैंने 3 कप गेहूं का आटा। इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश करके। इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे पराठों में। और 2 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल के इसमें ऐड कर दिए। इससे हमारे पराठे फटेंगे नहीं, एकदम नरम बनेंगे। इसको हाथों से मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के इसका अच्छा सा एकदम नरम डो तैयार कर लूँगी। यहाँ पर हमारा आटा तैयार है। यहाँ मैंने रख दिया गैस में पेन। इसमें डाल दूँगी मैं ऑयल और इसमें फ्राई कर लूँगी मैं मटर। यहाँ मैंने 2 कप हरे मटर लिए हैं, एकदम ताज़ा मटर। इसमें ऐड करूँगी 3 हरी मिर्च तीखापन के लिए, 5-6 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच अदरक के टुकड़ा। यहाँ पर मटर हमारा हो चुके हैं, इसको ठंडा करने के लिए नीचे उतार लेंगे। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको ऐड करेंगे मिक्सी के जार में और इसको दरदरा पीस लेंगे। कुछ इस तरीके का पीसा है मैंने, देख सकते हो आप, दरदरा सा। इसको निकाल लूँगी मैं एक बर्तन में। इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर। मिर्च मैंने पहले भी डाले हैं 3। और इसको मिलाने के बाद हम आटे से तोड़ लेंगे लोई। लोई अपने हिसाब से ले सकते हो आप, छोटी बड़ी, आपको जैसा बनाना है। इसको सूखे आटे में लपेट के इसको हम ऐसे किनारे से पतले रखेंगे और बीच में मोटा। इसमें रख देंगे हरे मटर का पेस्ट और इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको इसी में दबा लेंगे। इसको सूखे आटे में फिर से लपेट के हल्के हाथों से बेलन की मदद से बेल लेना है। यहाँ पर पराठा बेल लिया है मैंने और यहाँ रख दिया मैंने गैस में तवा। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। पराठा हमारा एक साइड से सिक चुका है, इसको हम पलट लेंगे। पलट के हम इसमें लगा लेंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल, घी, कुछ भी लगा सकते हो आप। दूसरे साइड से भी इसको पलट के इसमें ऑयल लगा लेंगे हम। यहाँ पर हमारा पराठा फूल रहा है, देख सकते हो। मटर के पराठे भी फूलते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पर पराठा हमारा दोनों साइड से सिक चुका है, इसको हम नीचे उतार लेंगे और इसी तरह दूसरा पराठा भी हम सेक लेंगे। यहाँ पर हमारे पराठे सिक चुके हैं। आप इसको सब्जी, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हो। यहाँ लिया है मैंने हरा धनिया का चटनी, इसके साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है।